जवाद अमीन और मेरे साथ हैं मैं हूं शम्स और हम वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वन। जी तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो हम आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको ऊपर आई का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो क्या हाल है शम्स भाई? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्पेशली सियालकोट से भी सफ़र करके आया हूँ और बहुत ही सुबह सुबह का सफ़र आपको पता है थका देता है इंसान, और ऊपर से जितने किराए आज बढ़ गए हैं। हाँ जी, ये तो सुबह सुबह पेट्रोल का बम हम पे गिरा दिया उन्होंने, हम पे गिरा दिया है जी जी। तो मैं मतलब किराया भी ज़्यादा हो गया, सफ़र की टेंशन, लेकिन आपके लिए आपकी वीडियोस बनाने आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए आपको रिव्यू दिखाने के लिए मुख्तलिफ पोर्ट्स के हम आपके लिए आते हैं, वीडियोस बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और आपसे भी ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी मेहनत का हमें समर मिल सके और आपकी काविशों का और हमारी काविशों का हमें समर मिल सके। तो आज क्योंकि बहुत मैं थका हुआ हूँ और इस वक्त बहुत लेज़ी टाइप भी हूँ, बल्कि मैं पहले रिव्यू लेना चाहूँगा शम्स भाई आपसे, जो ये पेट्रोल बम गिरा है आप तो है अभी उसी पार्टी से, क्या ख्याल है? नहीं, आप ऐसी बात ना करें, पेट्रोल का बम तो ज़रूर गिरा है लेकिन जो ये बात करें मैं उसी पार्टी से इसका सही लिंक नहीं, वो तो एक लहदा चीज़ है, लेकिन हमारा मकसद है फूड के बारे में रिव्यू देने, तो आप उसी पर बात करें। फूड के बारे में भी रिव्यू दूंगा लेकिन आप जब खाने खाने जाएंगे तो बात है उसको ना इसमें देखिए, खाना खाने जाएंगे तो खाना भी तो महंगा होगा ना। नहीं वो तो जाहिर बात है खाना तो महंगा होगा, लेकिन आपको टॉपिक किसी और पे लेके जा रहे हैं ना, उस पे ना लीजिए। चले ठीक है, हम आपको टॉपिक की तरफ ले जाते हैं जी। मैं आज क्योंकि बहुत लेजी हूँ, थका हूँ, तो मैं नाश्ता वाश्ता करूँगा और सबसे पहले मैं लोकेशन बता दूँ आपको, इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स कॉलोनी में, वैसे तो गुरु नानक पूरा गुरुद्वारा में नाश्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हम आपको पीपल्स कॉलोनी में कुछ ऐसे पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिनका, और आपने वो टेस्ट पहले कभी आपने उनका टेस्ट जो है वो आपने चेक नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा पर्पज़ शम्स भाई क्या है? हमारा पर्पज़ यही है जो हिडन शॉप हैं जिनके बारे में वो आम नहीं जानती, हम उनके पास आपको लेके जाएं और उनका आप टेस्ट चेक करें, उनका म्याच चेक करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जो जायके आप ताजमहल में ढूंढ रहे होते हैं वो आपको गली के नुक्के पर मिल जाते हैं। हमारा मकसद ये भी है कि जो छोटे लेवल के हमारे जो कारोबार करते हैं खाने का, उनको भी प्रमोट किया जाए, उनके भी वीडियोस बनाए जाएं ताकि उनका अगर टेस्ट अच्छा है हम आपको रिव्यू देंगे, आप उनसे टेस्ट करें, आपको भी इंशाल्लाह टेस्ट उनका अच्छा लगेगा, उनकी दुकान से ही चल रही है, क्या ख्याल है आप? सही, बिल्कुल राइट, आपने सही बोला जवाद भाई ने कि हमारी कोशिश भी यही है कि जो छोटे शॉप हैं उनके पास जाएँ, उनको भी प्रमोट करें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बन सके जी। तो मौसम के बारे में क्या ख्याल है शम्स भाई? शुरुआत भाई जैसे कि मौसम आज हार्ड सनी है, फुल गर्मी का चांस है, वैसे भी अभी सुबह का टाइम है तो अभी से ही इतनी गर्मी लग रही है हमें, आपको मतलब बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, लेकिन ये देखें कि सुबह सुबह का टाइम है, इतनी गर्मी है कि पूरा भी चहा रही है, पूरा एक माहौल बना हुआ है, तो क्यों ना छाँव में जा थोड़ी वीडियो बना ली जाए, ऐसे ही है, मैं भी यही चाहूँगा छाँव में चले चलें, साथ चलते जाते हैं, साथ आपसे बातें करते हैं जी जी। तो और शम्स भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं, आपको पता ही है आजकल हम फूड के मतलब की बातें कर रहे हैं, वो तो कुछ हक मिल नहीं रहा कुछ करने को क्योंकि हम गुजरांवाला के हैं, तो गुजरांवाला को की पहचान खाना है, वही खाना है और खाना खाने वाले हैं, ठीक है। और अब चलिए, अगर आपने सियालकोट के सफ़र के बारे में आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ, सियालकोट का सफ़र भाई बहुत महंगा हो गया है, बल्कि कोई भी सफ़र होगा तो महंगा ही हो गया है, महंगा हो गया है। मुझे ये बताएं सियालकोट के बारे में क्या ख्याल है आपका, वहाँ पे फूड के मतलब क्या चीज़ें हैं? सियालकोट में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं खाने के हवाले से जो हम एक्सप्लोर करेंगे, और बहुत ही ऐसे खाने हैं जो कि आम आवाम ने देखे नहीं है, मसलन
वहाँ पे चिकन चाप है, गुजरांवाला में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। और ऐसी कई डिशेज़ हैं जो गुजरांवाला में नहीं है, सियालकोट में है। तो हम इंशाल्लाह गुजरांवाला एक्सप्लोर करने के बाद हम आपको सियालकोट का विज़िट करवाएंगे और वो एक्सप्लोर करवाएंगे। तो जुवाद भाई, हमारी वीडियो का आज रिव्यू जो है वो नाश्ते का निकलना है। बिल्कुल, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको नाश्ते में क्या पसंद है। मैं चूंकि देसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो नाश्ते में पाए शाये मगर ये चीज़ पसंद करता हूँ। और चने, अगर खोए वाले चने या इस तरह से कोई चीज़ मिले तो फिर माफ़ी तो नहीं है फिर भी। यही हमारा, जैसे कि आज मैं आपको पीपल्स कॉलोनी में मेन मार्केट में एक ऐसी शॉप है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, और मैं आपको उसमें रिव्यू जो देने जा रहा हूँ वो आपके लिए ये है कि आपको खोए वाले चने पसंद है, आपको खोए वाले चने दे दीजिए। क्या बात है, उसके साथ नान हो गए। शमस भाई ने मेरे दिल की बात छीन ली है और आप ये बिल भी भरेंगे उतना ही, क्योंकि आज मैं बहुत खाने वाला हूँ। बार दूंगा जितनी भूख वैसे मुझे लगी हुई है, मैं भी 3-4 नान से काम नहीं करूँगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा। जुआर भाई वीडियो बनाते हैं और मैं जो है ना नाश्ता करता हूँ। चलिए आप नाश्ता करते हैं और आप कुछ करते हैं।